नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के जामिया से लेकर जामा मस्जिद तक, यूपी से लेकर गुजरात और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक देश के हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो प्रदर्शन के नाम पर जमकर हिंसा भी हो रही है। थाने के थाने फूंक दिए जा रहे हैं, पुलिस पर उपद्रवी पत्थर बरसा रहे हैं। गुजरात में तो खुलेआम पुलिस को मारा पीटा जा रहा है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है जैसे दंगे हो रहे हैं। विरोध के नाम पर हिंसा पर उतारू ऐसे उपद्रवियों को हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर लताड़ा है। याद करिए अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसने देश भर में एक क्रांति फूंक दी थी। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं आई, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे तमाम विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें आ रही। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन कुछ उपद्रवी इस हक को हिंसा में बदल रहे, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर फटकार लगाते हुए प्रदर्शन का विरोधी बता दिया। हैदराबाद स्थित AIMIM हेडक्वार्टर में हुई यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की बैठक में ओवैसी ने कहा, विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन हम हिंसा की पूरी तरह से निंदा करते हैं। जो भी हिंसा में शामिल है वो पूरे प्रदर्शन का विरोधी है। विरोध प्रदर्शन होने चाहिए, लेकिन वो तभी सफल होगा जब शांति बनाई रखी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि हमें नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर विरोध करना है, लेकिन पुलिस की अनुमति और शांति के बाद ही। लखनऊ, दिल्ली, मंगलुरु में पुलिस की बर्बरता और हिंसा हुई थी, 2 लोगों की मौत हो गई। अगर हिंसा होती है तो हम इसकी निंदा करेंगे और इससे खुद को अलग कर लेंगे। ओवैसी ने लोकसभा में भी नागरिकता संशोधन कानून का जमकर विरोध किया था। उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक की कॉपी संसद में फाड़ते हुए इसे हिटलर के कानून से भी बदतर बताया था। मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप तो 40 बोलना। नहीं, 4 ही पॉइंट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानो में और नफतेज जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को भी बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरम्बर्ग रेस लॉज और इसराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा, आप उसको बचाइए सर। बता दें, नए नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हिंसा देखने को मिली। लखनऊ में कई जगहों पर आगजनी, पुलिस पर पथराव और हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकियों पर हमला किया। इसके साथ ही मीडिया की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसक झड़प में घायल हुए एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल। इसके अलावा इस हिंसक झड़प में 16 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। इसके अलावा अहमदाबाद में भी भयानक हिंसा की खबरें आई। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा होने पर खुद को प्रदर्शन से अलग करने की धमकी दी। माननीय सांसद असदुद्दीन अंसार जी, ओवैसी जी। मैडम चेयरमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और मोहतरमा, मैं आपको एक बात यहां पर ऐवान को बताना चाहूंगा कि जब हमने संविधान को बनाया था, जब बन रहा था संविधान, और उस वक्त में इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है, जहनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफसियाती तौर पर,
जब संविधान का प्रियाम्बल बन रहा था अक्टूबर 17, 1949 को मैडम, तो उस वक्त के एम पाठक रुकुन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि प्रियाम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती। वोटिंग हुई, वोटिंग में केएम कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रियाम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आप सलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को अफगानिस्तान से, मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है, हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम मैं ये क्यों कह रहा हूं बता रहा हूं आप, मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा फॉरेन सिविल से? मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं, और जब एनआरसी हो जाएगा अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। ये इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं, हमारा हाल आप ये करके रख दी है कि तूफान में किश्ती में तासुबियत की फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर पीओके होम मिनिस्टर साहब अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए, इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीन है आप जानते तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो ट्रंप कार्ड चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए, कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। यह कानून तो हिटलर के